ज्यों बुलावे तो बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी ज्ञान ध्यान किस कर में न जाना सार न जाना तेरी सावती वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सावती वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब सिख संगत भाई भाई वडभागे हो धनता दी जोग जो कि इस वक्त जुगो जुगे अटल गद्दी ते सवाईमान चवर तख्त दे मालिक हाजर नाजर सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी पवित्र गोद विच बैठ करके सतगुरां दी पवित्र गुरबाणी का आनंद माणदे हुए अपने जीवन दियां कुछ घड़ियां सफरियां बना रहे हो वड्डिया भागां वाले हो। आओ गुरु चरणा विच बैठ करके सतगुरां दे पवित्र इतिहास सरवण करके लाही लैके धनता दे योग बनीए। कल आप जी ने सरवण कीता सी कि ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी जो कि अपनी नगरी विखे रह रहे हैं बुढ़ापे दे ग्रसन करके छुट्टी लैके अपनी नगरी विच ने ते जो सतगुरां दे नाल वचन करके गए सी अंतले समय वाला हुण बाबा जी ने जदों अपना अंतला समा लागे जानिया अपने एक गुरसिख नूं हर पक्ष तों समझा करके ते सतगुरां दे पास भेजिया कि जाओ जा करके सतगुरां दे चरणां विच बेनती करो कि सतगुरु जी बाबा बुढ़ा जी ने भेजिया कि कृपा दे घर विच आ के अपने सेवक दा अंतला समा दर्शन ददारे देके ते तारना करो सुहावना बना दिओ कृपा कर दिओ तुहाडा पुराना दास तुहानू याद कर रहा है कि वह कहिंदे कि साडा हुण समा नेड़े आ गया समा नेड़े आ गया ते जल्दी साडे पास पहुँच के दर्शन ददारे देना करो ताकि असी आप जी दे सन्मुख अपने प्राण त्यागना चाहते हैं। हुण सिख बाबा बुढ़ा जी पासों ये सुनेहा लेके करतारपुर की धरती वली गया है। चलदिया चलदिया हुण इस सिख ने धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज के चरणों में पहुँचना किया है। आओ हुण इस तो अगे इतिहास में आप श्रवण करिए। वाहिगुरु जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी नमस्कार कर बिरद संदेसा बैठो भाग सुनाए हशीशा सुन सतगुर निज पै की बात तैयारी करी शीकर सब भांत कि ये सिख मंजला मारता होया सतगुरां दे पास पहुंचे है सतगुरां दे चरणों में पहुंच करके इस गुरु के प्यारे ने नमस्कार करना कीती है। नमस्कार करके ते सतगुरां दे पास बैठ गया हाथ जोड़ के ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी वल्लों दित्ता होया सुनेहा सतगुरां दे नाल इहने सांझा कीता है। बाबा बुढ़ा जी का सुनेहा फिर सतगुरु जी महाराज नूं सुना दिता ते सतगुरां दे पास बैठा होया जो जो बचन बाबा बुढ़ा जी ने कीते सी वो सतगुरां नूं सारे सुनारा कीते है। जदों इस सिख ने बाबा जी का सुनेहा सुनाया तो सतगुरां ने सुनिया अपने प्यारे का सुनेहा सुन करके धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज जिन्होंने कि अपने गुरसिखा वल देख के ते छेती चलन वास्ते कहना किया तैयारी करी शीघ्र सब भांत कि तुरंत ही काली दे नाल
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਿਰਧ ਤਾਨੇ ਅੰਤਨ ਕਹੋ ਸਭ ਪਾਸ ਪੁਰ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਛੋਰਾ ਕਿਤਕ ਸੈਨ ਦੇ ਕਰਤ ਸਠੌਰਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਰਮਦਾਸ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪੁਰਮੈ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਛੋਰਾ ਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ ਆਗੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਗਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਂਭੋ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਤਕ ਸੈਨ ਦੇ ਕਰਤ ਸਠੌਰਾ ਕਿ ਕੁਛ ਸੈਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੋ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੁਰ ਜਨ ਸਭ ਕੋ ਧੀਰ ਜਦੀਨ ਚੜਬੇ ਤਰੰਗ ਹੰਕਾਰ ਨਕੀਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਕਰੋਗੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਰਮਦਾਸ ਵੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਲਵਾਨ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰਮਦਾਸ ਵੱਲੇ ਚਾਲੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕੁਛਕ ਸੈਨ ਦੇ ਸੰਗ ਨਿਹਾਲੇ ਸੌਂਪੋ ਪੁਰ ਕੋ ਰਾਗ ਸੰਭਾਲੇ ਚੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪੰਥ ਪਿਆਨੇ ਕਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਨੈ ਠਹਿਰਾਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲਾ ਜੀ ਆਇਆ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਮਦਾਸ ਵੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛਕ ਸੈਨ ਦੇ ਸੰਗ ਨਿਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸੈਨਾ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੌਂਪੋ ਪੁਰ ਕੋ ਰਾਗ ਸੰਭਾਲੇ ਕਿ ਨਗਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਭੋ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸਾਂਭੋ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਚੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪੰਥ ਪਿਆਨੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
रस्ते विच किते भी ठहरना नहीं चाहते, क्योंकि बाबा जी का यह सुनेहा सी ना, बाबा जी का यह सुनेहा सी कि सतगुरु जी साडा संदेशा सुनदिया साहब जल्दी साढ़े पास आना करो। कि धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज ना बड़ी काहली दे नाल तैयार होकर निकले है, तो रस्ते विच किते ठहरना नहीं भी चाहते, जल्दी अपने प्यारे दे पास पहुंचना चाहते हैं। बड़ी बेगती तरंग चलाही, तूर्ण पंथ संपूर्ण आई, नामदेव को हो तो सुतहान, रुचर दिहोरा कर गो ठान। के बड़ी काली दे नाल जायदा कह लो कि बड़े तेज घोड़िया चलाना किया, घोड़िया बड़ी तेजी दे नाल भजाड़ा किया है, ते कुछ पेंडा तय करके धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज फिर कित्थे पहुंचे है, भगत नामदेव जी की ड्योहरे के उपर पहुंचना किती है। चलते चलते इस रस्ते राही लंघे मेरे सतगुरु जी महाराज, ते भगत नामदेव के स्थान ते आए जिथे के बड़ा सुंदर ज्योहरा बाबा जी का बनया होया सी। ते जदों इस जगह ते आए सुंदर ज्योहरा देखिया, ते सतगुरु जी महाराज इस स्थान ते हुण दर्शन करना चाहते सी, कि दर्शना तो बगैर अगे लंघना नहीं चाहते, लंघना नहीं चाहते, क्योंकि गुरु प्यार वालियो जिथे आपा सतगुरां नूं नमस्कार करते हैं उत्थे सारे भगतां नूं भी नमस्कार करते हैं, गुरसिखां नूं भी नमस्कार करते हैं, भट्टां नूं भी नमस्कार करते हैं। सतगुरु जी महाराज दीआं रहमतां ने जिन्हां जिन्हां नूं धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज दया दे सागर शहीदां दे सरताज सतगुरां ने जिन्हां जिन्हां नूं मान वड्याईआं दित्तियां ना, उन्हां दी पवित्र गुरबाणी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच दर्ज करना कीती है। अज उन्हां नूं आप गुरु कीआं सिख संगतां नमस्कारां करदे हो, सिर नवाणा करदे हो, इह वड्याईआं सतगुरां ने अपने गुरसिखां नूं देणीआं कीतीआं, क्योंकि गुरु प्यार वालिओ जिन्हां नूं इस घर दीआं वड्याईआं मिलदीआं है समझ लो उन्हां दे वड्डे भाग ने, जिन्हां उत्ते सतगुरां दी रहमत हुंदी है ना उन्हां नूं इह वड्याईआं प्राप्त हुंदीआं, वड्डे भागां दे नाल प्राप्ति हुंदी है। एवें नहीं सतगुरु जी महाराज दे चरणां दी सेवक सेवा करदे सेवा करके उत्तम दर्जे प्राप्त हुंदे है, उत्तम दर्जे प्राप्त हुंदे है। गुरु के सिखां ने सेवा करके उत्तम पदवियां प्राप्त कीतीआं, उत्तम पदवियां परमहंस बनना कीता है सतगुरां दे चरणां दी सेवा करके। धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज हुण दर्शन दारे करना चाहते सी, जदों इस जगह ते पहुंचे ना ते देखिया कि भगत जी का बड़ा सुंदर जोहरा बनया होया है, बिना कबीर भगत जो और सबके बिखे लखो सर मौर, पुत्र तरंग ते बंधन कीन प्रभ को भगत लखो रस पीन। के कबीर भगत जी नूं छड के बाकी सारे भगतां विचों भगत नामदेव जी श्रोमणी ने उत्तम ने कहन दा भाव कि भगत कबीर जी तो बगैर बाकी सारे भगतां तो उत्तम दर्जा भगत नामदेव जी का है, कि इस जोहरे दे लागे धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज अपने घोड़े तो उतरे है, अते उतर करके नमस्कार कीती अते प्रभु दे भगत का फिर जस भी उचारण किया है, जस उचारण किया शोभा कीती है कि भगत नामदेव जी जिन्हां दी कि भाई उत्तम कमाई है, वड्डे भागा वाले बड़े भगतां विच मन्ने परमन्ने है जिन्हां ने कि कमाईयां करके सतगुरां दे चरणां विचों पिता गुरु जी दे चरणां विचों बख्शियां लईआं है। धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रहमतां वरताईआं है, कि कृपा कीती है, बड़ी सारी शोभा सतगुरां ने कीती है। जथा मतंग मने के आश्रम पहुंचे रघुपत धाम महाशरम, मुल स्थान को बंधन कीनी तथा रीति ठा सब चीनी। मानो कि
इतिहासकार ने यह उदाहरण देना की है। गुरु रूप साध संगत जी इतिहासकार ने यह उदाहरण देना की है कि कह रहे इतिहासकार कहता कि मान लो कि मतंग मुनि के आश्रम के श्री रामचंद्र जी बड़ी खेचल के नाल पहुंचे हो बड़ी खेचल के नाल पहुंचे होना कहते धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज फिर इस जगह ते पहुंचे है ते इस जगह ते नमस्कार करके बड़े ध्यान दे नाल गहरी निगाह मार के इस स्थान नू देखना कीता है। चार सपेरे तो देखना कीता है ते शोभा कीती है। क्यों देखिया सतगुरां ने धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज देख रहे सी कि भाई सेवादार इस जगह दी सोहने ढंग दे नाल सेवा कर रहे हैं जाके कोई अधूरापन है जाके कोई अधूरापन है। सतगुरु जी महाराज ये चंगी तरह देख रहे सी पर जो कुछ सतगुरां ने देखिया उहदी फिर शोभा कर दित्ती। इहदा भाव यह है समझ लो इहदा मतलब यह है कि जितने भी उत्थों दे सेवादार सी वह बड़े प्रेम दे नाल इस स्थान की सेवा कर रहे हैं ते सतगुरां ने फिर शोभा करना की है। कत श्री गिरदा पंथ मजारी बसे निसाहिक गए अगारी ते इदा फिर इस जगह के दर्शन करके ना धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज घोड़े ते सवार होके रस्ते नू पकड़ना कीता है क्योंकि दूसरे पासे प्यारे दी याद सतारी सी जिवें उन्हां दा सुनेहा मिलिया सतगुरु जी महाराज जल्दी पहुंचना चाहते हैं छेती पहुंचना चाहते हैं। इस वास्ते सतगुरु जी चलते चलते बसे निशा एक गए अगारी कहते कि एक रात रस्ते विच बताई सतगुरां ने भावें बड़ी काली दे नाल चले पर एक रात रस्ते विच फिर भी बताना पैगी। अगली सवेर सतगुरु जी महाराज अगे चले है कि जदों हुण रात बता के अगली सवेर चले बड़ी काली दे नाल ते बाबा जी की नगरी रमदास के लागे पहुंच गए ना ते किसी गुरसिख ने सतगुरां नू फौजा समेत आउंदे हुए देख लिया किसी सिख ने फौजा समेत आउंदे सतगुरां नू देख लिया बिरद जी श्री हरगोबिंद आए सुनत प्रेम उमगो अधकाहे कि ये सिख फिर बड़ी काली दे नाल दौड़ करके बाबा बुढ़ा जी दे डेरे विच पहुंचिया जां कह लो घर विच पहुंचिया ते जा करके सुनेहा देना कीता बाबा जी धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज तुहाडे सुनेहे नू सुनदिया सारे अपनियां फौजां समेत पहुंच गए हैं कि मैं पिंडों बार बार सतगुरां नू देख करके आया बड़ा वड्डा प्रेम धार के सतगुरु जी महाराज आए हैं ते जदों हुण सिख ने दस्या ना बाबा जी नू ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी भी सुन करके गदगद हो गए बड़े प्रसन्न हो गए बड़ा वड्डा प्रेम हुण उछाले मार लग्या हिरदे विच दोहां पासियां तों प्रेम जिहड़ा उछाले मार रहा सी अपने प्यारियां नू दर्शन करन वास्ते ना प्रेम उछाले मार रहा एक पासे बाबा बुढ़ा जी दे हिरदे विच प्रेम है कि धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज कदों मेरे सामने आउण ते मैं दोनों हाथ जोड़ के सतगुरां दे चरण परसा ते दूसरे पासे धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज मेरी पीढ़ी दे मालक सच्चे पातशाह दे हिरदे विच है कि कदों सतगुरु बाबा जी दे लागे पहुंचांगे ते उहनां दे दर्शन दारे करांगे। दोनों पासियां तों प्रेम जिहड़ा उछाले मारिया सी कह लो कि बाबा जी आनंद दे नाल भर गए शरीर दे रोम रोम खड़े हो गए है सतगुरां दा आउणा सुन करके ते खुशी दे विच नैणा दे विच जल छा गया नेत्रां विच उहना नीर आ गया। इदां कह लो कि ये जिहड़ा प्रेम सी ना हिरदे विच ये नेत्रां विचों प्रगट हो गया मल्लो मल्ली उछाले मार के नैणा विचों उछाले मारना कीते है झलक नैणा दे विचों इस जल दी साफ दिखाई दिंदी है ते बड़े खुश ने
बाबा जी ते सतगुरु जी महाराज साडा सुनेहा सुन के बड़ी जल्दी दे नाल साडे पास आए हन। गद गद बानी जाए न बोला, मनो प्रेम पूर्ण प्रभ तोला, उठ कर गमनो भयो असंभा, चंत न पग मन मान अचंबा। के हुण इतने खुश हो गए बाबा जी कि गला भर आया बोलिया नहीं जाता, क्योंकि गुरु प्यार वालियो जां तां बंदे नूं हो जाए ज्यादा खुशी, उदों कई बार बंदे का गला भर आउंदा, बोलना चाहुंदा है पर कुछ बोलिया नहीं जाता। ते रब ना करे जां बंदे नूं गमी पै जाए ना, ते फिर उदों ये गला रुकदा है, दोनों गलां ती रुकदा है। हुण बाबा जी नूं खुशी इतनी हो गई गला भर आया, बोलिया नहीं जाता, बोलना चाहुंदे है कुछ, इदां हुण मन दे विच खुशी रह करके उठ के चलन लगे है। मन दे विच भावें बुढ़ापे ने इतना ग्रस लिया सी ना कि बहुता चल फिर नहीं सकते, पर प्यार देखो कितना सतगुरां प्रति कितना प्यार है कि अगों नहीं जा करके स्वागत करके लियाइए। मन दे विच प्रेम उछाले मार रहे हैं, उठे है बाबा जी, उठ के चलन लगे है, पर थोड़ा जिहा चल के ते बाबा जी उत्थे खंभे वांग गड्डे गए, अगे चलिया नहीं जा सकिया। इतिहासकार कहिंदा है उठ कर गमनो भयो सथंबा, चलत ना पग मन मान अचंबा। कि एक पैर भी ना इस तो अगे बाबा जी तो पटिया नहीं गया, ते मन दे विच बाबा जी बड़े हैरान ने की हो गया। मन दे विच इदां विचार करते हैं कि एक की होना कीता है कि बड़ी कोशिश के बावजूद भी हुण एक भी पैर अगे पटिया नहीं जा रहा। थकत हुए करते ही बैसा, सकल शरीर पणस फल जैसा। कि जिवें कि शरीर बड़ा थकिया होया ते बाबा बुढ़ा जी उसे जगह ती बैठ गए, ना चलिया गया, बाबा जी उस जगह ते चौंकड़े लगा करके बैठ गए है कि जितना भी शरीर से इतना प्रसन्नता विच है, इतना खुशी विच है कि अखां बंद करके ध्यान ला के ते रस प्राप्त कीता है। इतिहासकार कहिंदा है कि इदां समाधि विच लीनता बना के बैठ गए हैं कि देखण वालियां नूं इदां जापदा है जिवें कि करोड़ां बरसां तो कोई ऋषि मुनि जंगल विच समाधि विच लीनता बना के बैठा होया, कि बड़े लंबेरे समय तो उत्ते बई ये समाधि लगी हुई है। इस हालात विच बाबा बुढ़ा जी की समाधि लग गई, नेत्र बंद ने, चौंकड़े लगे हुए हैं, ते फिर प्यारे की याद विच आनंद प्राप्त हो रहे हैं, आनंद प्राप्त हो रहा है प्यारे की याद विच। हुण मन दे अंदर ही ये आनंद लई जांदे हैं, क्योंकि गुरु प्यार वालियो जिहड़े गुरु के प्यारियां दे हिरदे विच प्रेम वसदा है, कमाइयां कीतियां है, उन्हां दे इदां दे हालात हो जांदे है जिवें कि गुंगा मठियाई खा के उहदा स्वाद नहीं ना दस सकदा प्यारियो। इसे तरह ही गुरु के कमाई करन वाले प्यारियां दा हिसाब हो जांदा है कि उह आनंद लैंदे है बड़ा वड्डा, पर उहदा अंत नहीं दर्शा सकदे, उहदी मापदंड नहीं दस सकते कि कितना कु वड्डा आनंद है, क्योंकि जिहदा कोई पारा वार ही नहीं, और आर पार ही नहीं उहदा कितना वड्डा आनंद है। जिवें गुंगा मठियाई खा के नहीं दस सकता उहदा आनंद, इदां ही गुरु के प्यारे भी नहीं दस सकते। बड़े वड्डे आनंद दे विच बाबा बुढ़ा जी समाधि विच लीनता बना के बैठ गए हैं कि प्रेम दे विच इतने मगन हो गए कि बहुत बेबस हो गए है। ते चौंकड़ी लगा के बाबा जी बैठे हुए हैं। इतने मैं गुर गए आवास, संग लिए विद्या गुरुदास। ते इतने नूं धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज भी भाई विरे चंद ते भाई गुरदास जी के नाल बाबा बुढ़ा जी के पास आ गए है। एक पासे भाई गुरदास जी ने, दूसरे पासे बाबा विधी चंद जी ने। सतगुरु जी महाराज फिर अपने प्यारे दे पास पहुंचे है,
मानू के देखिया जिमें के चिरा तो समाधि लगी हुई है। भाई गुरदास जी बाबा बुढ़ा जी की समाधि लगी हुई देख के सतगुरां वल्ले देखते हैं सवालिया निगाह दे नाल कि सतगुरु जी जापदा है कि जिमें करोड़ा बरसों तो समाधि विच लीनता बना के बाबा जी बैठे हुए ने, नेत्र बंद ने, जिमें के कोई वड्डा जोगी हजारां बरसों तो समाधि विच लीनता बना के बैठा हुआ है। इदां दा दृश्य सामने तो सतगुरु जी नजरी आ रहा है। देखत रह गए ठांडे स्वामी, लखी हृदय गदे अंतर जामी, अर्क प्रेम गुर के उर आवा, दौन बलो चंजल भरे आवा। हुण सतगुरु जी महाराज लागे खलोते हुए देखते रह गए, देखी जा रहे हैं बाबा जी की इस समाधि वल्ले, अते नाल ही अंतरजामी सतगुरु जी महाराज ने बाबा बुढ़ा जी के अंतर बिरती नूं समझना कीता है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछांत, जानी जान सतगुरु जी जान गए कि बाबा बुढ़ा जी के हिरदे की की मर्जी है, की चाहते है, कि किदां हुण समाधि विच लीनता बना के बैठे है। सतगुरु जी जानते सी कि साडा स्वागत करके करन वास्ते अगों दी आउणा चाहते सी, पर तुरे ना जान करके इत्थी समाधि विच लीनता बना के बैठ गए। लागे हुण सतगुरु जी महाराज खलोते हुए है, एक पासे बाबा विधि चंद ते भाई गुरदास जी खलोते हुए है। हुण सतगुरु जी महाराज के हिरदे विच बड़ा वड्डा प्रेम जागिया, बाबा जी के प्रति बहुत वड्डा प्रेम है, बड़ा उमाह है। हुण सतगुरु जी महाराज के भी दोनों नैण जिहड़े है ना, वो जल विच भर गए है, नैणा विच जल भरा आ। सतगुरु जी खलोते हुए अपने प्यारे के पास देख देख के ना सतगुरां के नैणा विच भी जल भरा आ। सतगुरु जी महाराज विचारते हैं कि हुण ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी शरीर करके साडे पास नहीं रहणगे, जो इन्हां वालियां सेवावां है इस घर दे विच होर कोई दे नहीं सकेगा, इन्हां दी प्रापरता होर कोई कर नहीं सकेगा। ये एक बहुत वड्डी घाट है जो ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी सी ये अपनी स्थान ते आप ही अपनी मिसाल ने, वरना होर कोई भी इन्हां दी बराबरता कर नहीं सकेगा। क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी आपो अपने ख्याल, आपो अपनी बुद्धि, आपो अपनी मत अनुसार हर एक मनुख संसार ते विचरदा है। आप अपनी बुद्ध है जीती, जिन्नी जिन्नी बुद्धि परमेश्वर ने दे के आपां नूं भेजी है ना, उहने अनुसार ही आपां इस संसार ते विचर रहे हैं। ते आपो अपने मनुख दे भाग ने, ते आपो अपने घाल कमाई है, अड्डो अड्डे आपो अपने हिरदे विच प्रेम है कि कईयां दे गुरु के प्यारियां दे मन दे विच इतना उमा है कि उह निष्काम सेवक एक मन चित होके गुरु दे दरबार की सेवा करते हैं, भावें उन्हां दे सामने कुछ भी हो रहा उह तवज्जो नहीं दिंदे, तवज्जो नहीं दिंदे, एक मन चित होके गुरु दे दरबार की सेवा करके ते अपनियां घाल कमाईयां नूं सफला करते हैं। ते सतगुरु जी महाराज भी उन्हां उत्ते प्रसन्न चित हुंदे है, उन्हां उत्ते सतगुरां दीआं रहमतां हुंदीआं है जिन्हां ने एक मन चित होके घाल कमाईयां कीतीआं। ते दूसरे पासे गुरु प्यार वालिओ सतगुरु जी महाराज का फरमान है गुरबाणी विच, रोटियां कारण पूरे तान, बहुत सारिआं दे केवल ते केवल ख्याल प्रशादा पाणी छकण वाली है, ते कईआं दा ख्याल ईरखा वल है, कईआं दा निंदिआ वल है। उत्थे गल आ गई ना आपो अपनी बुद्धि अनुसार, कई अपने आप ते माण कर बैठते हैं कि मेरे वर्गा कोई ईमानदार बंदा नहीं, हाँ जा मैं मेरे तो बगैर ये गुरु के घर का काम चल नहीं सकता, मैं सोहने ढंग ना चला सकता, दूसरा नहीं चला सकता। देखो कितना मत ते पर्दा पा दिता कि जिहड़ा गुरु
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੰਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਆ ਉਸਦੀ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਛ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਪਦੇ ਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਲਾਵੈ ਤਿੱਤ ਤਿੱਤ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਆਇਆ। ਨਹਿ ਕੁਛ ਕਹੋ ਗਇਓ ਨਹਿ ਖਰੀ, ਤਬ ਗੁਰਦਾਸ ਬਿਰਧ ਭਗਤ ਹਰੇ। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁਲਾਈਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਝਸਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਝੱਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀਰੀ, ਤੂਰਨ ਗਹੇ ਪਾਏ ਤਸਵੀਰੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਸ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬੇਵੱਸ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜਨਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ,
आप गुरु की सिख संगतां नूं बाणी बख्श के उत्थे देखो सतगुरां दे साहिबजादा धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज बाबा जी दे चरण परसरे है, क्योंकि जो हुक्म कर गए सी पिता गुरु जी उहदे अनुसार ही हो करके हुक्म दी तमीन करना कीती है, वडप्पन देना कीता, वडियाइयां देणियां कीतियां बाबा बुढ़ा जी नूं चरण पकड़ लै सतगुरां ने भी। एक पासे तो बाबा बुढ़ा जी ने चरण फड़ ले, दूसरे पासे तो सतगुरां ने बाबा बुढ़ा जी दे चरण पकड़ना कीते है। बैठन के स्थान लै गए सब सुख बिंद को बंदत भै, ते सतगुरु जी महाराज जिन्हां ने कि भाई गुरदास ते बाबा विधि चंद जी नूं इशारा किया, ते भाई गुरदास जी ते बाबा विधि चंद जी ने बाबा जी नूं उठाणा कीता है, ते जदों उठाया ते बाबा बुढ़ा जी ने इशारा करके अपने स्थान वाले पासे ले जाना चाहुंदे सी, जिथे ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी का आसन सी ना कह लो, जिस कमरे विच हुण बाबा बुढ़ा जी उस पासे वल सतगुरां नूं लैके जाना चाहुंदे है। अगे अगे हौली हौली बाबा बुढ़ा जी चले जा रहे ने, अते सतगुरु जी महाराज ते सिख पिछे जा रहे हैं, उस स्थान ते लै गए जिथे कि बाबा बुढ़ा जी आप विराजदे सी। सतगुरां नूं सुंदर पलंगे उत्ते बिठा करके ते सारयां ने नमस्कारां कीतियां। जितने भी सिख सतगुरां दे साथ विच गए सी ना सैनिक, जिथे सतगुरां ने चरण परसे उत्थे सारे गुरसिखां ने वारी वारी बाबा बुढ़ा जी दे चरण परसना कीते है, चरण परसना कीते है, अते बाबा जी दे आशीर्वाद लैणा कीते है, बाबा जी दे आशीर्वाद लैणा कीते है। इदां कह लो कि सब जानते सी कि बाबा बुढ़ा जी ने जो अपने मुखारबिंद विचों वचन कर दिते वो कदाचित खाली नहीं जाणगे, ते वड्डियां दे चरण परस के गोडी हथ ला के जितनिया भी हो सकन असीसा लै लवो, उतने ही भाग जागणगे, जितनिया असीसा लवोगे उतने ही वड्डे भाग बन जाणगे। सारे गुरसिखां ने फिर नमस्कारां कीतियां है, अते बाबा जी दे पास बैठ करके वचन बलास शुरू करना कीती है, आपस दे विच सुख शांति पुछना कीती है। बाबा जी सतगुरां नूं पुछदे है, ते सतगुरु जी महाराज बाबा जी नूं पुछदे है, ते बाबा जी दे नाल इदां हुण वचन बलास सांझे करके ते आपस विच विचार सांझे कीते हन। बिरद साहिब कर जोर अचारी, ए कुछ रीत नहीं ना तुम्हारी, दासन बस हुए करण ना करहो, कछु ना लोक लाज को धरहो। बाबा बुढ़ा जी ने हाथ जोड़ के सतगुरां दा शुकराना कीता है, शोभा कीती है, कहन लगा सतगुरु जी आप सदा ही शरण प्यार दी लाज रखदे हो, ते अपने बिरद नूं संभालना करदे जे कि कोई ये पहली वार नहीं, शुरू तो ही ये घर अपने सेवकां दी पैज रखदा आया है, शरण प्यार दी लाज रखदा आया है, उसे मर्यादा ते चलदिआं तुसां ने अपने सेवक दे सुनेहे नूं सुन करके दर्शन दारे दे के निहाल करना कीता है, क्योंकि ये घर सदा ही सेवकां दे वस विच है, रब वस भगतां ने कीता, प्रेम दियां पाके डोरियां भगतां ने ना रब नूं वस विच कर लिया, प्रेम वालियां डोरियां बना के गुरु प्यार वाले हो कि जिहड़े भगत ने ना भगतां दी कदाचित भी ये घर मोड़दा नहीं, सतगुरां दी बंधी हुई ते छुट जाएगी, पर जे भगतां ने बन दित्ती ना गुरु प्यार वालिओ ते सतगुरु जी कहिंदे ये कदी छुट नहीं सकेगी, गुरु के प्यारियां ने जे बन दित्ती ना फिर छुट नहीं सकेगी, क्योंकि सतगुरां ने अपने भगतां नूं वडियाइयां दित्तियां, मान दित्ता है, शोभा दित्ती है, क्यों, क्योंकि भगतां ने बड़ियां सारियां घाल कमाईयां कीतियां, सेवा करके ये उत्तम रतबे प्राप्त करना कीते है। इसे वास्ते सियाने कहिंदे है कि भाई संतां महापुरशां नूं कदी टिचर नहीं करनी चाहीदी, मखौल नहीं करना चाहीदा, हां
मनो चाहे ना मनो तुहाडी मर्जी है, पर कदाचित भी किसी की तोहीन नहीं करनी। अगर जे संतां ने कुछ बोल दिता तो फिर गुरु प्यार वाले सदा दे रोने ने, सदा दे रोने, क्योंकि भगतां ने ते बचन छड के चली जाना है। पर जिहड़ा इदां करदा है ना फिर वह सदा दुखी है, इस वास्ते वर्जित किया है। सतगुरु जी महाराज के चरणों में बाबा बुढ़ा जी बेनती करते हैं, कहते बाबा जी, बाबा जी कह रहे हैं सतगुरु जी तुसी सदाई अपने सेवकों की कृपा करते हो, तो सदाई अपने सेवकों के वस में हो, तुसी सेवकों के कहे नूं कदा चित भी मोड़ते नहीं, इस वास्ते तुसाने बड़ी वड्डी रहमत करके ते अपने सेवक नूं दर्शन देना कीते है। सेवकों का सुनेहा सुन के बड़ी काहली दे नाल आके ते दर्शन देना कीते हन। बिरद संभारे अपनो आए मेरो अंत समान आए, कि अपना धर्म जान के सतगुरु जी महाराज तुसा ने मेरे पास आना कीता, क्योंकि मेरा अंतला समा बिल्कुल नेड़े आ गया। सतगुरु जी बिल्कुल मेरा समा हुण नेड़े आ गया, कृपा दे घर विच आके जिहड़े तुहाडे नाल बरशन कीते सी ना छुट्टी लैन लग्या, तुसा ने उन्हां बचना दे अनुसार ही होके ते कृपा दे घर विच आके मैनू दर्शन दारे देना कीते है। इस वास्ते तुसी सदा ही अपने सिखां दे वस विच रहिंदे हो ते शरण पियां दी लाज रखदे हो। सुन श्री गुरु सब उत्तर दीना, तुम सिखी मग उज्जल कीना, रावर को आचरण गए सो सिख अग बने ना दही गे। ते जदों हुण बाबा जी ने शोभा कीती है ना, ते धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज जी का उत्तर देंदे है, बाबा जी उत्तर देना करते है। सतगुरु जी महाराज कहंदे, कहन लगे बाबा बुढ़ा जी तुसा ने गुरसिखी दे मार्ग नू उज्जल करना कीता, श्रेष्ठ कीता, तुसा ने बड़ी सारी घाल कमाई कीती है, जेड़े कि आप जी दे आचरण फड़नगे ना वो सिख पापा की अग विच सड़नगे नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज कहंदे, कहंदे गुरु प्यार वालिओ जिहड़े बाबा जी के दसे हुए मार्ग से चलणगे उन्हां वांग कमाई करनगे जां उन्हां दा नाम लैणगे उन्हां प्राणियों नूं पापा विच सड़ना नहीं पवेगा, पापा विच नहीं सड़ना पवेगा। इतना उत्तम ते महान तुसा ने कार्य करना कीता कि तुहाडा नाम लैके बाबा जी वड्डे वड्डे पापी तर जाणगे, वड्डे वड्डे पापी तर जाणगे। तोर नाम ले सिखी धरै कहो क्यों ना भव सागर तरै, कि जेड़े गुरु के प्यारे बाबा जी तुहाडा नाम लैके गुरसिखी धारण करनगे उन्हां उत्ते इतनी वड्डी कृपा होएगी कि वह इस भव सागर तो पार उतर जाणगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए ना अपने प्यारे ते, हुण बख्शा ही बख्शा दई जांदे आ, क्योंकि घाल कमाई कीती सी, सेवा कीती सी, बंदगी कीती सी। सतगुरु जी कहन लगे कि बाबा जी जिहड़े तुहाडा नाम लैके गुरसिखी धारण करनगे ना फिर वह इस भाव सागर तो पार उतारा उन्हां दा हो जाएगा, तर जाणगे। इत्यादिक आपस विच बैठ करके ते सतगुरां ने बाबा बुढ़ा जी की बड़ी महिमा उचारण कीती है, बड़ी शोभा करना कीती है, बड़ी सारी शोभा करना कीती है। सुंदर मंदिर अंदर अडेरा करवायो सादर तस्वीरा, जथा योग सब को सुख दयो देख प्रसाद त्यारता पयो। के बड़े आदर दे नाल बाबा बुढ़ा जी ने भी अपने वाले आसन ते सतगुरां दा डेरा करवाया सी, बड़े सुंदर जगह ते डेरा करवाया सी, ते जथा योग सतगुरु जी महाराज ने सारिया उत्ते रहमतां वरताना कीतियां। जिथे बाबा जी का अंतला
समा संभालण वास्ते गए, उत्थे सारिआं नूं रहमतां दित्तीआं। अते बाबा बुढ़ा जी ने गुरसिखां नूं कह के ते सतगुरां वास्ते ते सतगुरां दी फौज वास्ते सुंदर लंगर तैयार करवाना कीता। अपने गुरसिखां नूं कह के सुंदर लंगर की तैयारी करवाना कीती है। सो पतन समय जान बिरद भाई, मिरद सेजा सुंदर डसवाई। कि बाबा बुढ़ा जी ने सौन का समा जान करके फिर सुंदर सेज जिहड़ी दूसरे पासे विछवाउणा कीती है, जिथे लंगर प्रशादे की सेवा कीती है ना सोहणे ढंग दे नाल बनवा करके, उत्थे हुण सतगुरां दे आराम प्रवान करन वास्ते सुंदर सेजा जिहड़ी है बाबा जी ने तैयार करवाना कीती है। ते नाल आप हुण बाबा बुढ़ा जी अपना आसन जिहड़ा ना इतिहासकार कहिंदा है कि इस रात धरती ते करना चाहुंदे है। भूम आसन अपनो तब कीन, श्री हरगोबिंद साहिब बिद चीन। अपना आसन जिहड़ा उह सतगुरां दे लागे धरती ते करना चाहुंदे है, थले करना चाहुंदे है। ते सतगुरु जी महाराज भी यह सब कुछ देख के ते जान गए, जान गए। ते बाबा जी थले सौना चाहते है ते सानू पलंग ते सौना चाहते है। सतगुरु जी महाराज भी ये फिर कुछ करना नहीं सी चाहते, बड़ा सारा सत्कार देते हैं बाबा बुढ़ा जी नू, फिर इदा करना नहीं चाहते। ये सब कुछ देख के फिर सतगुरु जी महाराज कहते हैं, ता सेजा भूम आसन करे बिरद साहब के ढेगुर थीरे। ते सतगुरु जी महाराज पलंग नू छड के ते जिथे बाबा जी ने अपना भूम आसन किया सी ना, उथे आके ते सतगुरु जी महाराज भी विराज गए है। कहन लगे बाबा जी अज असी पलंगे ते आराम फरमान नहीं करांगे, आराम फरमान नहीं करांगे, अज रात समय तुहाडे नाल बचन बलास इस घर दे सांझे करांगे, क्योंकि तुसी पुराने गुरसिख जी। धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके अज तक तुसा ने बड़ी सारी घाल कमाई कमाई है, सेवा कीती है, ते बहुत कुछ तुसा ने देखना किता है, ते इस घर बारे सब कुछ तुसी जानते जे। इस वास्ते असी तुहाडे पासों जितने भी पुराने इतिहास ने वह सारे सुनना चाहते हैं, इस वास्ते अज आराम फरमान नहीं करांगे, अज की रात तुहाडे नाल बचन बलास सांझे करांगे। क्योंकि जानी जान सतगुरु जी महाराज जानते से कि इस रात तो बाद बाबा जी शरीर करके साडे विच रहणगे नहीं, ते फिर कौन सुनाउण वाला है इस तों बाद, किहदी इतनी कमाई है, बाबा जी की कोई बराबरता नहीं कर सकता। जो कुछ अज इन्हां पासों लै लिया, लै लिया फिर भौर उडारी मार जाएगा, भौर अडारी मार जाएगा। बाबा जी दे पासों ही बख्शा लैनिया चाहते ने सतगुरु जी। धन श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज कहिंदे बाबा जी अज तुहाडे नाल बचन बलास सांझे कीते जाणगे। श्री नानक आदिक गुर सारे रहे निक सब रीत निहारे, आन लाभ सब देही जानो मुझ प्रभ कुछ उपदेश बखानो। कि धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके ते अज तक सारे गुरु साहिबाना दे नाल तुसा ने सेवा करना कीती है, इस दरबार की सेवा तुसा ने करना कीती है, ते सारिआं बारे सोहणी रीति दे अनुसार तुसा ने जानना कीता है। जिथे सेवा कीते उत्थे सब कुछ तुसी जानदे जे अते देखना कीता है, इस वास्ते तुहाडे पास सारिआं हान लाभ दीआं विधियां ने, हाण लाभ दीआं सारिआं विधियां बाबा जी तुहाडे पास ने। ते इस वास्ते साडी अज बेनती है मुझ प्रभ कछु उपदेश बखानो, कि बच्चे की बेनती है वड्डिआं अगे कि सानू कुछ उपदेश देना करो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। देखो कितनी वड्डी निम्रता है सतगुरां दे विच, कितनी वड्डी निम्रता है। कहिंदे सानू कुछ उपदेश देना करो, रब का स्वरूप बाबा जी पासों उपदेश मंगदे हैं। ते गुरु प्यार वालियो
समा ऐसी करवट ले गया कि चार अक्षर सीख के ना बंदा ते बड़िया सारिया डींगा मारदा है। जे उन्हों कोई दस भी दे ना तो वह मनण वास्ते तैयार नहीं, अगो चार गल्लां होर करदा है, चार गल्लां होर करदा है। पर देखो मेरे सतगुरु जी महाराज कितने महान ने, कितने श्रेष्ठ ने, कितने शोभादायक ने। कहते बाबा जी सानू कुछ अज की रात उपदेश देना करो, तुसी सब कुछ जानन हारे जी। सेवक जान दयारस चढ़ी है शीशा भली बतावन करी है, कि सेवक दा जान के दया रस च ढलो ते चंगी तरह मैनू सिक्ख्या देना करो। ये सुन करके बाबा बुढ़ा जी कहन लगे सतगुरु जी तुसी छेवां सुहावना स्वरूप आप नारायण कला धार जग मह परवरियो, ते सतगुरु जी असी तुहानू की उपदेश दे सकदे आ, तुसी ते आप वो अकाल पुरख वाहगुरु सच्चे पातशाह दा स्वरूप जे, असी ते तुहाडे पासों बख्शां लैणियां चाहुंदे आ। इसे वास्ते आप जी दे चरणां विच बेनती करना कीते से ते तुसां ने अपने दास की बेनती नूं प्रवान करके साडे पास पहुंच के दर्शन दारे दे के ते निहाल करना कीता है। बाबा जी कहते तुसी उस परमेश्वर का स्वरूप जे असी तुहानू की उपदेश दे सकते हैं। पर सतगुरु जी महाराज कहते नहीं बाबा जी तुसी धन नानक जी तो लैके अज तक वड्डी घाल कमाई कीती है, साडे उत्ते अज की रात रहमतां वरताणा करो। अज इत्थी समाप्ति, कल नूं फिर सतगुरु जी महाराज कृपा करनगे। जिस तरह भी ये अज की रात ज्ञान गोष्ठ होएगा तो उस तो बाद बाबा बुढ़ा जी अपने साहबजादे अपने सपुत्र भाई भाना जी नूं बुला करके सतगुरां दे हस्त कमलां विच इहदी बांह फड़ाउणगे ते कहणगे कि साडे तो बाद साडे साहबजादे दे सिर ते मेहरां दा हत्थ रखियो। जिदां भी इतिहास आएगा जे सतगुरां की कृपा होएगी तो कल आप गुरु की सिख संगतां नूं सरवण करवाया जाएगा। बेनती करांगे जितना भी हो सके मन बिरती एकाग्र करके गुरु चरणा विच पहुँच करके सतगुरां की पवित्र गुरबाणी पवित्र इतिहास सुन करके मन करके हिरदे विच वसा के लाहे लए पितंता दे योग बनीए। सतगुरु जी समर्थ ने कृपा दे दाते है साडे सिर ते मेहर प्रयात रखणगे, साडा भी जीवन सवर जाएगा ते असीं भी तंता दे योग बन जावांगे। कथा करदिआं तो बेअंत भुल्लां होईआं होणगीआं, जिथे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बख्शिंद पिता उत्थे आप रब वर्गियां गुरु कियां सिख संगतां जुड़ बैठे हो। कृपा करियो अपने दासां दे सिर ते मेहर प्रयात रखियो ता कि तुश बुद्धी अनुसार आप जी दे चरणां दी त्यास सारी सेवा करके धनता दे योग बन सकीए। बहुत बहुत धन्यवाद धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का, जिन्हां की रहम सदका तुश बुद्धी अनुसार आप जी दे चरणां दी त्यास सारी सेवा की है। सतगुरु जी कृपा करन अपने दासां दे सिर ते मेहर प्रयात रखन ते दास इसे तरह ही आप गुरु कियां सिख संगतां की सेवा करके धनता दे योग बनते रहिए। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी होईयां भुल्लां दी शिमा बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।